इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। आज के जमाने के शुभ चिंतक ऐसे होते हैं जो आपका शुभ होता हुआ देखकर चिंतित हो जाते हैं। समय के साथ सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक ही नहीं, सोच भी अपडेट होनी चाहिए। सिर्फ मुस्कराते रहिए, दुनिया कंफ्यूज रहेगी, न जाने इसको किस बात का सुख है। वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं का है, वरना जिंदगी तो बिल्कुल हल्की फुल्की है। किसी भी बात का इतना ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहिए कि दिमाग को पैरालिसिस हो जाए। ईश्वर ने जिंदगी जीने के लिए दी है, पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। घर में सोफा सेट हो, डिनर सेट हो, टीवी सेट हो, मेकअप सेट हो, पर माइंड सेट ना हो तो आप कहीं भी सेट नहीं हो सकते। बिना किताबों के जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे हम जिंदगी कहते हैं। विश्वास और प्रेम में एक समानता है, दोनों में से कोई भी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। जो मजा सीन करके इग्नोर करने में है, वो मजा ब्लॉक करने में नहीं। जिंदगी आईने की तरह है, यह तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। हम सफर खूबसूरत नहीं बल्कि कदर करने वाला होना चाहिए। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है और कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। दो चीज़ों को कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को।